व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे चेहरे पे तो हम मुस्कुराहट देख रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट मेरी उस वक्त गायब हो गई थी जब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को एक ऐसे मैच में शिकस्त दी जो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान हार सकता है। और मुझे एकदम इसकी याद ताज़ा हो गई जब हमने पहला टेस्ट मैच इसी ग्राउंड पर जो हमने प्लेट में रख के इंग्लैंड को दे दिया था, आज भी ऐसे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने दिया। अब 5 विकेटों से जो पाकिस्तान की शिकस्त हुई है, इसके बावजूद हुई है कि पाकिस्तान ने 195 रन का रिकॉर्ड स्कोर किया इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड ने भी कमाल कर दिया कि इंग्लैंड ने भी उसको चेस डाउन कर लिया और 5 विकेटें 5 बॉलें बॉल की थी। अब ये आप इतने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्रिकेट का क्या हो रहा है कि हमने टेस्ट सीरीज भी 1-0 से हारी, गो के थर्ड टेस्ट में अच्छा हमने कमबैक किया, लेकिन अब सोचने की बात है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। आज पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, बाबर आजम और फ़खर जमान, जिनके बारे में फ़खर जमान का रन ही नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने भी बड़ी उमदा बैटिंग की और कप्तान की इनिंग्स खेली आज बाबर आजम ने। और उसके बाद जो आके सोने पे सुहागा किया वो मोहम्मद हफीज़ ने किया, हालांकि ओल्ड गार्ड हैं, 39 साल के हैं, लोग कह रहे हैं इनका कैरियर ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने भी रन्स करके दिखाया और पाकिस्तान ने बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ी शानदार बैटिंग की। आज तीनों सेशन में पाकिस्तान का, अगर आप समझें जो पहला हाफ था उसमें ये पाकिस्तान अच्छा रहा, फिर आखिर में जो पाकिस्तान ने 65 रन बनाया आखिरी 5 ओवर्स में, तो वो भी बड़ा शानदार था। लेकिन माइन मॉर्गन वो ख़तरनाक प्लेयर है, मुझे आज भी याद है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप का पिछले साल में मैच हुआ था उसमें उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे, और मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 14 या 15 छक्के मारे थे। तो भाई जब इस तरह की इनिंग खेलेंगे, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मिलान, माइन मॉर्गन जब इस तरह की इनिंग खेलेंगे, तो ये कोई भी जो है ना टीम जो है वो कह नहीं सकते। और T20 बड़ा अजीब व गरीब खेल हो गया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जमाने में 134-135 रन होते थे और टीमें जो थी वो मैच मुश्किल से जीत पाती थी, लेकिन आज 195 इतने हंसते खेलते हुए इंग्लैंड की टीम ने क्रॉस किए। कभी भी ऐसे नहीं लगा, सिर्फ एक मौके पर ऐसा लगा जब शादाब अपने 1 ओवर में 3री विकेट हासिल करने वाले थे माइन मॉर्गन की, LBW की अपील ली, लेकिन क्योंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, बिल्कुल गेंद विकेटों पर लग गई थी। बाद में इसमें देखिए अप एंड डाउन तो उसमें खुशकिस्मती भी होती है, कैच भी छूटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा मायूस की दुनिया की कोई ज़रूर है कि पाकिस्तान ने फाइट किया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो उन्होंने कमाल कर दिया आज को। उन्होंने मतलब इतने 195 रन के टारगेट को उन्होंने बिल्कुल चेस नहीं किया, मुझे मतलब कई चीज़ों में, हालांकि शाहीन शाह अफरीदी जो है हमारे स्टार बॉलर हैं, आज उनको भी अच्छी खासी उनकी पिटाई हो गई। आज इमाद वसीम भी वो इम्पैक्ट नहीं दे सके जो उन्होंने पहले मैच में दिया था, हालांकि आज शादाब और हारिस रऊफ ने 2-2, 3 विकेटें और 2 विकेटें हासिल की, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की बॉलिंग को ये डिफेंड करना चाहिए था। ये ज़रूर है कि माइन मॉर्गन जब अपने जादू जगाते हैं और जब वो पावर हिटिंग करते हैं, आज पावर हिटिंग का हकीकत में मुकाबला था, बॉलिंग तो दोनों टीमों की मेरा ख्याल है फेल हो गई। आज जो पावर हिटिंग की है उसमें पावर, जो स्टार पावर था वो माइन मॉर्गन था, जिसने मैच अपने जिता दिया। अब जो अगला मैच है वो तीसरा मैच है, उसमें पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा सकता है, हालांकि जो पहला मैच हुआ था वो बारिश की वजह से ख़राब हो गया, लेकिन आज वाकई बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली, मज़ा भी आया। दुख अपनी जगह हुआ कि पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हार गया, जैसे टेस्ट मैच हारा था, लेकिन भारत पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन सवाल उठते हैं टीम की मैनेजमेंट में, वकाई यूनुस जो बॉलिंग कोच है, लेकिन मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी है, मिस बॉलक हैं, वकार यूनुस हैं, वकार यूनुस खान हैं, मुश्ताक अहमद हैं। अब मेरा ख्याल है कि उधर जो चले गए थे ना हमारे अज़र महमूद ने ज़रूर उनके कोच को कुछ बताया होगा जो पाकिस्तान की टीम की कमजोरियां हैं, क्योंकि वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर आते हैं। देखे ना, ये पैसे का खेल है। अज़र महमूद कल हमारे साथ जो थे वो हमारे दोस्त थे, अब वो क्या हुआ है, वो दुश्मन के कैंप में, हो सकता है उन्होंने पाकिस्तान के वीक एरियाज को बताया होगा। कि हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आज जो भारत ओल्ड ट्रैफर्ड के मैनचेस्टर में पाकिस्तान टीम के साथ जो पाकिस्तान की टीम 5 विकेटों से हार गई, वो एक बहुत ही दुख की बात तो है। जाहिर बात है पाकिस्तान के फॉलोअर्स ने जिस तरह पाकिस्तान ने पहले T20 में जो कि बारिश की नज़र हो गया था अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बॉलर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, इसके बावजूद के उसमें काफ़ी अटैकिंग बैटिंग की थी इंग्लैंड ने, लेकिन पाकिस्तान ने कमबैक किया। आज पाकिस्तान बिल्कुल कमबैक नहीं कर सका, और माइन मॉर्गन, डेविड मिलान, जॉनी बेयरस्टो जो है ना वो पाकिस्तानी बॉलिंग के उन्होंने पक्षे उड़ा दिए। बहरहाल इसमें किस्मत की देवी थे, वो इंग्लैंड के साथ थी, जो एक अंपायर ने LBW नहीं दिया, रिव्यू भी हुआ, लेकिन क्योंकि वो अंपायर्स कॉल थे वो नॉट आउट रहे, वरना शादाब खान जो थे आज 1 ओवर में 3 विकेटें हासिल करते रहे। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आपकी सपोर्ट के बगैर
आपके एंजॉयमेंट के बगैर, आपके सब्सक्राइब करने के बावजूद के बगैर जो है ना, ये हम किसी तरह भी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। हमने 40 साल क्रिकेट में गुजारे हैं, पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट कवर की है, तो आपको अपडेट करते रहें। जब तक के लिए हम आप कहते हैं अल्लाह हाफिज़।